मतलब क्या होता है कि तो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 9.1 की। कल हमने जो डिस्कस किया था वो ये था, रिलेशन बिटवीन आर्क, लेंथ, रेडियस एंड जनरल एंगल। कल हमने ये पढ़ी थी आर्क, लेंथ, रेडियस। आज हम क्या पढ़ेंगे? जनरल एंगल। जनरल एंगल इज डिफाइंड एज, इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, आर इक्वल टू 2n पाई प्लस थेटा। ये एक स्टेटमेंट है। अब इसका मतलब क्या होता है? इस तरह से ये जो r है वो एक रियल नंबर है, ठीक है। इस तरह से फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, ये सेंटर, ठीक। अब देखो ये है इनिशियल और ये क्या है? टर्मिनल। जैसे टर्मिनल रोटेट होगी इस तरह से तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन बन जाएगा, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन बन जाएगा। इस तरह से एक और फिर से इसको रोटेट करें तो ये सेकंड रिवॉल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह से ये कंटिन्यू करते जाएं तो इस तरह से बन जाएंगे, वन रिवॉल्यूशन। इस तरह से वन रिवॉल्यूशन इक्वल टू वन इंटू टू पाई, वन इंटू टू पाई। अब टू पाई का मतलब क्या होता है? टू पाई का मतलब होता है ये कंप्लीट जो इस सर्कल में एंगल बनती है वो टू पाई बनती है। कल हमने ये पढ़ा था, क्योंकि 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई। कल हमने पढ़ा था पाई रेडियन, पाई रेडियन। तो कल हमने पढ़ा था कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। इस तरह से 360 डिग्री, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब देखो 360 डिग्री इसका मतलब कंप्लीट सर्कल, तो मैं कह सकता हूं वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक। आगे चलकर अगर टू रिवॉल्यूशन तो ये बन जाएगा टू इंट टू पाई, तो ये बन जाएगा 4 पाई और ये बन जाएगा 2 पाई। ये एक चक्कर हुआ और ये दो चक्कर, मतलब टू कंप्लीट रिवॉल्यूशन। इस तरह से ये चलता रहेगा एन रिवॉल्यूशन, एन रिवॉल्यूशन। तो ये होगा इस तरह से एन इंट टू पाई, तो ये बन जाएगा 2n पाई। आई बात समझ में? अब ये हुआ 2n पाई, वेयर n इज एनी रियल नंबर, ठीक है। अब देखो ये n शो करता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। अब ये क्या है? थीटा प्लस थीटा। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि ऑलवेज कंप्लीट रिवॉल्यूशन बन जाए, तो मैं कह सकता हूँ ये जो एंगल है कभी कंप्लीट रिवॉल्यूशन से कम हो सकती है। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो एंगल बनती है वो 360 डिग्री बनती है। अगर 300 हो तो वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये होगा ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन और ये उससे कम होगी। इस तरह से फॉर एग्जांपल मैं यूं लिखता हूँ, इस तरह से आर इक्वल टू टू एन पाई प्लस 30 हो सकती है, या 60 हो सकती है, 90 हो सकती है, 270 हो सकती है, 359 तक। इस तरह से 359 तक हो सकती है। अगर 360 हो जाएगा तो वो यहाँ से एक रिवॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये जो एंगल होती है ये थीटा, वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन से कम होती है और इसको कहते हैं सर्कुलर रेजिडो। इसे कहते हैं सर्कुलर रेजिडो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन से जो कम रिमाइंडर होती है, इस तरह से अगर मैं आपको हेशो थे तो सब जरा
सही है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 420, ठीक है, ये डिग्री। अब देखो ये इसमें एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन भी है, ठीक है, इस तरह से 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये बन जाएगा 420 डिग्री, ठीक है। तो इसमें एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है। अब उसको किस तरह से हम इसे यहाँ पर निकाल के इस तरह से कर सकते हैं कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 420 डिग्री को डिवाइड करूं 360 से, तो वन टाइम 360, तो रिमेनिंग में क्या रहेगा, रिमाइंडर में 60 डिग्री। अब देखो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मैंने इनमें से निकाल दिया है, वो 360 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर है वो है 60 डिग्री। तो इसको कहते हैं सर्कुलर रेजिडियो, क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है, मतलब अनकम्प्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है, उसे कहते हैं सर्कुलर रेजिडियो, ठीक है। और ये जो एन है वो है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक। स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान आ कल असा सिर्फ रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ रेडियस पढ़ोसे, अज असा छा पढ़ोसे जनरल एंगल। जनरल एंगल जो मकसद कि डिफाइन कबो आ और डिफाइन कबो आ, आर इक्वल टू 2n पाई प्लस थीटा, वेयर n इज एनी रियल नंबर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, और थीटा इज लेस देन 360 डिग्री। ये जो 360 डिग्री है, सॉरी जो थीटा है, वो पूरे कंप्लीट चक्कर का थोड़ी घट होंगी, 360 का थोड़ी घट होंगी। छाजे करने के रखे हुआ तो जरूरी ना है तो हमेशा असा जो एंगल 360 या 360 की मल्टीपल हो जाए, जी है या 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, हमेशा कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो कौन थींदा, जारी कुछ तो एंगल घट भी थींदी आ। जेकर मां ताके चवा साइन 30 बुधायो तो बुधाय सको था, साइन 360 बुधायो बुधाय सको था, जरूरी ना है तो हमेशा साइन 360 की मल्टीपल हो जाए, साइन पाई साइन 2 पाई साइन 4 पाई साइन 6 पाई 8 पाई, हमेशा वैल्यू सेम रहंदो। इन करे कुछ एंगल्स एडी हुंदियो आइन जेके 360 का घट भी थी सकन थियो, जरूरी ना है हमेशा कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जन, तने करे हे जेको शो तो करे वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, आ हे जेको शो तो करे वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन का थोड़ी घट, आ उन जे करे असन चने हो सर्कुलर रेजिडो। सर्कुलर रेजिडो जेको आ उने मकसद से होदो आ, उने मकसद यो ही होदो आ ते एक जस्ट लाइक एक रिमाइंडर होदो आ, ते एक कब जे है 420 है अस उन मा एकरे चक्कर सा कंप्लीट रिवॉल्यूशन सा वंड छो था कयो, तो हिन में जेका एंगल आ कंप्लीट चक्कर का जेका बचे केतरी थी, ठीक है, वह बचने 60, पर जे करें कदे ई अचे 360 डिवाइड क्यों आ रिमाइंडर सा के 0 बचे, लेट सपोज रिमाइंडर सा के 0 तो बचे, तो उन मकसद यो ही आ तो बस नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मिले, माना का साइकिल आ उन बच चक्कर कंप्लीट कटियान, ठीक, तो पो असा उन में थीटा ना लिखना से, थीटा वो है जेका कंप्लीट चक्कर का थोड़ी बचे, उन के चबा सर्कुलर रेजिडो, ओके। अब इसकी स्क्रीनशॉट लें तो आगे चलते हैं। अच्छा एक और बात, जरूरी नहीं है कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बन जाए, एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है इस एन पर कि अगर एन एन की जगह पर आप वन सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये बन जाएगा 2 पाई, इट मींस वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, और थीटा की जगह पर आप ऐड कर दो 30 या 60 या 90 तो उसमें ये ऐड कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर मैं आपको ये कहूँ कि 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इसकी मैपिंग किस तरह से करेंगे, इस तरह से ये एक सर्कल है, ठीक, ये इनिशियल रे और जो टर्मिनल रे होगा वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, इस तरह से। अब ये टर्मिनल रोटेट हो रहा है इस तरह से, ये रोटेट हो रहा है, ये जैसे ही रोटेट होगा ये कंप्लीट 360 बन गया। अब क्या है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री तक जाएगा इस तरह से, ये हो गया इस तरह से, तो ये बन गया इस तरह से, ये हो गया, तो ये क्लियर हो गया। तो ये ओवरऑल एंगल कितनी बनी, ओवरऑल ये बन जाएगी 420 डिग्री,
जिसमें एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन और प्लस में 60 डिग्री, तो ये जो है वो है थीटा और ये है 2 पाई प्लस, ये हो गया इस तरह से, ये हो गया आर। ठीक, अब देखो यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन की वैल्यू है वो 1 है। अगर इस तरह से ये हो, लेट सपोज इस तरह से ये फर्स्ट रिवॉल्यूशन, सेकंड रिवॉल्यूशन प्लस 30 डिग्री, तो ये बन गया 2 रिवॉल्यूशन प्लस 30 डिग्री, तो ये होगा 2 रिवॉल्यूशन 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री प्लस 30 इस तरह से। या फिर आप इस तरह ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 2 पाए, ये 2 पाए प्लस 2 पाए प्लस 30 मीन्स पाए ओवर 6। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक बार, ये दो बार, तो हम कह सकते हैं 2 टाइम्स क्या 2 पाए और प्लस में क्या पाए ओवर 6। ये बन गई जनरल एंगल। तो मैं ये जो इस तरह से, जरूरी नहीं है कि 2 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो जाए, तीसरा भी हो सकता है, 4, इस तरह से कंटिन्यू करते जाएं, तो ये होगा आर इक्वल टू 2n पाई प्लस थीटा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये थीटा यहाँ पर वो अनकम्प्लीट रिवॉल्यूशन है, उसमें हमने ये ऐड कर दिया, तो ये बन गई जनरल एंगल। अगर हम n की जगह पर -2 पुट कर दें तो ये बन जाएगा आर इक्वल टू -4 पाई प्लस थीटा। अब देखो प्लस थीटा कोई भी हो, 30 प्लस 30 होगी तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 360 से, 180 से, ये तो उसमें ये सबट्रैक्शन कर दे, ऐड कर दे, तो जो भी रिजल्ट मिल जाए। तो ये जरूरी नहीं है कि ऑलवेज हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, ये है जनरल एंगल। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगी कोटर्मिनल एंगल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोड्यूस कराया है वो थोड़ा सा बुक से थोड़ा अलग होकर मैंने अपने वे से पढ़ाया है, और टेक्स में भी टर्म्स कंडीशंस हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको ये पढ़ाया है आप उसको नोट भी करते जाएं और फिर आज पर एक्सरसाइज भी यूज़ करते हैं। और जो हमने पढ़ा है ये बुक से भी थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा भी है, कुछ पंजाब टेक्स भी यूज़ किया है, इसीलिए आप आगे अब ऐसा करें जो सिंध टेक्स किताब है वो अपने सामने ओपन कर दें ताकि हम आगे प्रॉब्लम भी कर सकें। इससे पहले हम एक और भी टर्म्स पढ़ना है, उसे कहते हैं कोटर्मिनल एंगल। जनरल एंगल को हमने पढ़ा है, अब क्या पढ़ेंगे कोटर्मिनल एंगल। तो ये है कोटर्मिनल एंगल। इस टॉपिक पे एमसीक्यूज भी आते हैं, इसीलिए ये पढ़ना लाजमी होगा। कोटर्मिनल एंगल, दी एंगल्स, दी एंगल्स विथ द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स is called coterminal angle. Coterminal angle. अब इसकी स्टडी थोड़ी सी ध्यान से समझें। The angles with the same initial and terminal sides is called coterminal angle. इसका मतलब यूं हुआ कि ये एक सर्कल है, ठीक, अब ये इनिशियल साइड और ये हो गई टर्मिनल, ठीक, ये एक एंगल बन गई थीटा, ये है इनिशियल और ये क्या है
टर्मिनल। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दी एंगल्स, एंगल्स का मतलब है वन से ज्यादा, मतलब टू एंगल्स विथ द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल, विथ द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल। एक ऐसी एंगल बनाए, ये तो एक बन गई, दूसरी एंगल एक ऐसी बनाए जो इसके इनिशियल के, इस इनिशियल के साथ उसी एंगल के इनिशियल और इसके इसके टर्मिनल के साथ उसी एंगल की टर्मिनल होनी चाहिए। इस तरह से अगर मैं लेट सपोज इसके ऊपर में शो करता हूं इस तरह से, तो ये इनिशियल और ये क्या हो गए टर्मिनल, ये गलत है क्योंकि ये कोइंसिडेंट हो गई, सेम एंगल हो गई। लेट सपोज अगर ये 30 है तो ये भी पहले ही 30 थी, दोनों सेम। इस तरह से नहीं, ये अकॉर्डिंग डेफिनेशन में मैपिंग तो सही है कि इनिशियल और टर्मिनल सेम आनी चाहिए, ये सेम आनी चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं करना है, हमें इस तरह से करना है। इसको इरेज करें, ठीक, इस तरह से। अब ये इसके ऊपर क्या बनाएंगे, इनिशियल, ये बन गई, ये जस्ट इसके ऊपर, ये मैंने थोड़ी सी स्पेस रखी है ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस शो होना चाहिए। ये देखो ये इनिशियल, अब टर्मिनल इसके ऊपर नहीं, टर्मिनल ये इनिशियल, ये हो गया टर्मिनल, तो इस इनिशियल की टर्मिनल इस तरह से रोटेट करें, इस तरह से जैसे रोटेट होगी यहां तक, तो ये बन जाएगी इस तरह से, ये हो गया टर्मिनल। पहले वाली जो एंगल है उसमें इनिशियल ये ब्लू कलर का रे है और टर्मिनल भी ब्लू कलर का रे, और सेकंड जो एंगल बना रहा हूँ इस इनिशियल के शुरुआत वाली जो इनिशियल है उसके साथ ब्लैक वाली सेकंड इनिशियल और ये सेकंड टर्मिनल। अब इसकी एंगल यहाँ से बनेगी थीटा, ये बन जाएगी, ठीक है। सिंपली आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो ब्लू एरो है उसका जो एरो कैप है वो अपवर्ड है और जो ब्लैक है वो डाउनवर्ड है, आपस में क्या होना चाहिए, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। इस तरह से फेस टू फेस, ठीक है, ये इस तरह, ये इसका नीचे और ये इधर से, ये हो गई कोटर्मिनल एंगल। फॉर एग्जांपल इस तरह से करनी चाहिए कि ये एक सर्किल है और ये इस तरह से, और ये बन गए 30 डिग्री, ठीक। अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, फाइंड दी कोटर्मिनल एंगल ऑफ 30, इस तरह से फाइंड दी कोटर्मिनल ऑफ 30 डिग्री, इस 30 डिग्री की कोटर्मिनल एंगल फाइंड करें। अब देखो यहाँ पे जो है टर्मिनल वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अच्छा एक और बात, अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल होनी चाहिए तो जैसे कोटर्मिनल एंगल बनाएंगे तो आप उसके आप क्या बनाएंगे, क्लॉकवाइज बनाएंगे। अगर क्लॉकवाइज एंगल है तो आप क्या बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ पर ये जो 30 एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल है, तो अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, कोटर्मिनल ऑफ 30 डिग्री, तो इसके कैसे फाइंड करेंगे, क्लॉकवाइज की तरह, इस तरह से। तो कोटर्मिनल जो होगी वो होगी इस तरह से, ये इसके ऊपर ही होगी, ठीक है। अब ये एंगल बन जाएगी इस तरह से, अब ये कितनी बनेगी तो हमें पता नहीं, इस तरह से करेंगे। जैसे ये मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो मैं इस तरह से करूंगा कि जो कंप्लीट क्लॉकवाइज है वो -360 डिग्री, अब ये कंप्लीट तो नहीं है, ये यहाँ पर है, तो हम उनमें से +30 कर देंगे तो कितना रहेगा, तो ये बनेगा -30 डिग्री, ये हो गई -30 डिग्री। तो इसकी जो कोटर्मिनल एंगल है वो क्या बच जाएगी, कोटर्मिनल एंगल
नजर अच्छे तो रहे इज माइनस 303 डिग्री 30 डिग्री क्लियर हो गया। अब अगर इस तरह से जैसे ये एक और सर्कल है ठीक ये बन गया 60 डिग्री तो इसकी कोटर्मिनल कैसे बनाएंगे आप ऐसे ही बनाएंगे तो इस तरह से क्योंकि ये पॉजिटिव बन गई और ये नेगेटिव तो ये बनेगी माइनस 360 प्लस 60 डिग्री इस तरह से तो ये होगा माइनस 300 डिग्री क्लियर हो गया। अब ये यहाँ वाली जो एंगल बनेगी माइनस 300 एंगल बन जाएगी क्लियर। अब अगर मैं ऐसे क्वेश्चन करूं कि इसका स्क्रीनशॉट लें स्टूडेंट्स आप इसके स्क्रीनशॉट लें तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब अगर इस तरह से कोई एंगल हो इस तरह से कि क्वेश्चन मेरा है कि फाइंड दी कोटर्मिनल ऑफ माइनस 30 डिग्री पहले पॉजिटिव थी अब माइनस 30 तो आप इसको इस तरह से करेंगे तो ये बन गई इस तरह से माइनस 30 डिग्री। अब को टर्मिनल कैसे होगी अब इस एरो का जो कैप है वो डाउनवर्ड है तो आप इसको इस तरह से करेंगे कि जो को टर्मिनल एंगल बन जाएगी वो इस तरह से रोटेट होकर यहाँ तक आएगी तो ये बन जाएगी इस तरह से ठीक। तो अब पता चलेगा कितनी एंगल होगी तो अब ये देखो ये जो है एरो का है वो कैप अपवर्ड डायरेक्शन है किसके किस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉक में पॉजिटिव एंगल रख देंगे इस तरह से माइनस 360 डिग्री सॉरी पॉजिटिव प्लस 360 डिग्री अब माइनस 30 डिग्री इस तरह से करेंगे तो ये बन जाएगा 3 इस तरह से ये हो गई कोटर्मिनल एंगल क्लियर। अब ये थ्योरेटिकल पार्ट आपका कंप्लीट हो गया कल से हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे यहाँ पहले आप एक दो प्रॉब्लम को देख कर आए तो इंशाल्लाह समझ में आ जाए।